Asus Zenfone Max Pro M2 के कैमरा सैंपल्स वाली इस वीडियो पे मैंने जो सैंपल्स गैदर करी हैं ये बिफोर अपडेट है एंड आफ्टर अपडेट जो है इस वीडियो के लिए मैंने सेम जगह पे जाके जो है यहाँ पर सैंपल्स लेने की कोशिश करी है, लेकिन ऑब्वियसली आपको लाइटिंग कंडीशन में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा और जो सब्जेक्ट है उसमें भी आपको थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो इस तरह से कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन का भी दबा दें। और ये कैमरा सैंपल वाली वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं। तो यहाँ पर अपडेट के बाद जो सबसे बड़ा चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा वो पोर्ट्रेट मोड में है, वो भी फ्रंट कैमरा में। मैं यहाँ पर आपको जो सैंपल्स दिखा रहा हूँ ये जो कैमरा वाली अपडेट आई थी EIS वाली और पोर्ट्रेट मोड वाली फ्रंट कैमरा में उसके बाद ली गई थी। तीनों फ़ोटो मैंने लिए थे और तीनों फ़ोटो में यहाँ पर एज डिटेक्शन जो है बढ़िया निकल के आई थी। अब चलते हैं अपडेट के बाद जो मैंने यहाँ पर कैमरा सैंपल्स लिए हैं फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट मोड ऑन करके। आफ्टर अपडेट वाली इस फोटो पे आप देखेंगे कि एज डिटेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और जो पोर्ट्रेट मोड फोटोज़ हैं फ्रंट कैमरा से वो हिट और मिस है। तीन फोटो मैंने यहाँ पर ली है, दोनों में एज डिटेक्शन ठीक से नहीं आया, एक में जो है आपको ठीक यहाँ पर एज डिटेक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने एक टाइमलेस वाली वीडियो भी निकाली है 0.5 सेकंड के इंटरवल में जो यहाँ पर ठीक ठाक जो है निकल के आई है। बिफोर एंड आफ्टर में यही सबसे बड़ा चेंज है पोर्ट्रेट मोड में फ्रंट कैमरा का। बिफोर वाली सैंपल अच्छी थी, आफ्टर वाली सैंपल ठीक नहीं है। रियर कैमरा सैंपल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है डिफरेंट कंडीशन में ऑब्वियसली ली गई है, जैसा कि मैंने पहले कहा लाइटिंग कंडीशन डिफरेंट है। और ये वाली जो है रियर कैमरा पोर्ट्रेट मोड इमेज है और यहाँ पर दोनों जो है सेम है, बिल्कुल सेम है, खाली लाइटिंग में थोड़ा डिफरेंस है। ओवरऑल सैचुरेशन, कलर कॉन्ट्रास्ट और जो डिटेलिंग आपको यहाँ पर लग रही है ऐसा आपको लग सकता है कि जो बिफोर वाली सैंपल में अच्छी है, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर खाली लाइटिंग का ही डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। मेरी आंखों से तो यही नज़र आ रहा है कि बिफोर एंड आफ्टर जो है सेम ही है। कुछ सैंपल कैमरा सैंपल्स मैंने ROG कैमरा से भी ली है। ROG कैमरा के वीडियो अगर नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा। तो लेफ्ट में आपको ROG कैमरा वाली सैंपल दिखेगी। ओवरऑल जो यहाँ पर दोनों HDR मोड ऑन करके मैंने ली है और ये वाली जो है लो लाइट कैमरा सैंपल है। ROG कैमरा का सैंपल यहाँ पर लो लाइट में बेटर है, लेकिन पर्टिकुलर इस वाली में मैं कहना चाहूँगा स्टॉक कैमरा ने जो बैक में लाइट है उसको जो अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। और फिर से यहाँ पर डे लाइट कुछ सैंपल्स हैं, दोनों मुझे यहाँ पर लगभग सेम ही लगे हैं, खाली लाइटिंग कंडीशन और सब्जेक्ट का यहाँ पर डिफरेंस है। ये वाली फ़ोटोज़ मैंने अपडेट से पहले ली थी और फिर सेम जगह पे जाके मैंने फ़ोटोज़ जो है लेने की कोशिश की है। ऑब्वियसली फिर से मैं कहूँगा कि लाइटिंग का ही डिफरेंस है। रियर कैमरा में आपको कुछ फ़र्क नहीं नज़र आएगा बिफोर एंड आफ्टर अपडेट। कुछ वीडियो सैम्पल्स भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करी है, ये बैक कैमरा सैम्पल्स आप थोड़ी सी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने EIS ऑन रखा है और ऑब्वियसली 1080p पे मैंने यहाँ पर शूट की है और लगभग आप कह सकते हैं मैं यहाँ पर भाग रहा हूँ और बहुत ज़्यादा शेक करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं कहूँगा EIS Asus Zenfone Max Pro M2 का जो है एकदम मक्खन की तरह काम करता है। और जो फोकस है यहाँ पर आप फोकस भी थोड़ा सा यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर फोकस करने में ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, यहाँ पर इंस्टेंट फोकस भी हो जाता है। तो 1080p में EIS ऑन करके आपको अच्छी वीडियो क्वालिटी वीडियो सैंपल्स आपको मिल जाएगी Asus Zenfone Max Pro M2 में। फ्रंट कैमरा कुछ वीडियो सैंपल्स मैंने ली है, लेफ्ट में जो सैंपल ली है वो जो अपडेट आया था EIS वाला उस टाइम पे मैंने ये वाली ली थी और राइट में आप देखोगे कि ये तो आफ्टर अपडेट वाली है। ओवरऑल जो वीडियो सैंपल्स निकल के आते हैं EIS ऑन करके फ्रंट एंड रियर कैमरा से 1080p फुटेज में आपको अच्छी जो है यहाँ पर वीडियो सैंपल्स देखने के लिए मिलेगी हमारे Asus Zenfone Max Pro M2 में। कुछ लो लाइट सैंपल्स भी मैंने लेने की कोशिश की है। लेफ्ट वाली जो इमेज है वो मैंने नाइट मोड ऑन करके ली थी। स्टॉक कैमरा में आपको नाइट मोड का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन नाइट मोड वाली सैंपल में कलर पूरी एकदम वॉश्ड आउट है, उससे अच्छा स्टॉक कैमरा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। Gcam वाली एक इमेज है, ऊपर वाली Gcam है, तो Gcam वाली इमेज में आप देखोगे कि जो डायनामिक रेंज है ऑब्वियसली Gcam की डायनामिक रेंज बेहतर होती है, लेकिन स्टॉक कैमरा ने भी यहाँ पर अच्छा काम किया है, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है स्टॉक कैमरा का सैंपल भी। तो ऑल इन ऑल इतना ही था इस वीडियो में। अपडेट के बाद जो कंक्लूजन है कैमरा वाली, ऑब्वियसली फ्रंट कैमरा ही जो है यहाँ पर फ्रंट कैमरा का पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर जो है थोड़ा एज डिटेक्शन में प्रॉब्लम कर रहा है। ऑल इन ऑल बिफोर एंड आफ्टर आपको रियर कैमरा फ्रंट कैमरा में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा, खाली पोर्ट्रेट मोड फ्रंट कैमरा में आपको थोड़ा एज डिटेक्शन का प्रॉब्लम नज़र आ रहा है और जो कि मुझे लगता है Asus नेक्स्ट अपडेट में फिक्स्ड कर देगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ज़रूर लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।